आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए लेके आए हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड है। सबसे पहले क्षमा चाहते हैं, आज दिन में कोई भी वीडियो नहीं मिल पाया था, हमारे को थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ रहा था, आउट ऑफ स्टेशन थे, इस वजह से कुछ फैमिली फंक्शन था, इस वजह से हम आपके वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं, पर अभी आ चुके हैं और हम आप बात करेंगे जो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, साथ ही साथ में कोर्ट का डिसीजन का क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक ये डिसीजन आना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आइए चलकर शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की। फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर अपर सर्किट में चले हैं। चला चलकर सबसे पहले भाव ही देख लेते हैं। तो अगर देखेंगे आप भाव की दृष्टि से तो फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर हैं, सबसे पहले फ्यूचर रिटेल की बात करें, यहां से देखेंगे तो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही थी, पर उसके बाद से करीब 12:15 बजे के आसपास से यहां से एक स्पर्ट दिखाई दिया है और अपर सर्किट बंद हुआ है 80 रुपीज 70 पैसे के आसपास। 28 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज में फ्यूचर रिटेल के। अगर एफईएल की बात की जाए तो एफईएल का भी यही हाल है और इसमें 25 लाख के शेयर हैंड एक्सचेंज में है। फ्यूचर कंज्यूमर ये भी 5% अपर सर्किट पर बंद हुआ है और इसमें करीब 70 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन 5% अप और इसमें भी करीब 10 लाख के शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात की जाए तो ये इसने बंद किया है 5% का अपर सर्किट और करीब करीब 1 लाख शेयर इसमें एक्सचेंज हुए। इंटरेस्टिंगली फ्यूचर मार्केट नेटवर्क आज 10% का अपर सर्किट था तो इसके चलते हुए इसने जो अब बंद हुआ है 18 रुपए 55 पैसे में बंद हुआ है। वॉल्यूम की दृष्टि से देखा जाए तो रिलेटिवली कम वॉल्यूम है, 1 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं। तो अमंग द सारे स्टॉक के ग्रुप में फ्यूचर मार्केट नेटवर्क ही है जो रिलेटिवली सबसे ज्यादा बंद हुआ है 10% के आसपास। और देखेंगे सब में एक ही सिचुएशन है, यहां से 12:15 बजे के आसपास से अपर सर्किट शुरू होना शुरू हुआ था, बढ़ना शुरू हुआ था और 12:15 बजे तक सब में अपर सर्किट लग गया था, उसके बाद कोई भी खरीदारी नहीं हो पा रही थी कहीं पर भी। अब देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांगा है बीएससी से, उसमें बीएससी ने एज पर द इंटरनल सोर्सेस ये इंफॉर्मेशन गैदर कर ली गई है कि बीएससी इज रेडी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और उसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि जो 4 केसेस है अगेंस्ट, उसमें से एक अमेजन के अगेंस्ट है, दैट इज करस्पॉन्डिंगली अमेजन ने जो केस दर्ज किया है, उसके अलावा 3 केस जो है वो नॉर्मल केसेस हैं जिसमें डिस्प्यूट या फिर रेस्पेक्टिव अदर डिस्कशन है, कोई भी रिलेटेड नहीं है। जो अप्रूवल दिया गया है फ्यूचर ग्रुप को वो 5 एंटिटी को एफईएल में मर्ज करने का दिया गया है, इसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं है इंक्लूडिंग अमेजन। तो ये बीएससी का क्लैरिफिकेशन आएगा जिसकी वजह से आज हमें लग रहा है, ये ट्रेडिंग सर्कल की न्यूज है दोस्तों तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसकी वजह से आज यहां पर स्टॉक्स में सब में अपर सर्किट लगा है और इसके चलते हुए सेबी का अप्रूवल अब बहुत जल्द ही आने की उम्मीद होगी। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज बीएससी का क्लैरिफिकेशन जाएगा तो हमारे हिसाब से अपर सर्किट लगेगा, बोथ बीएससी एंड एनएससी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्लैरिफिकेशन टू सेबी। अब अगर देखें 5 कंपनीज मर्ज होंगी, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का शेयर थोड़ा तेज चला है आज और 24,700 करोड़ की रिलायंस डील करेगा, सीसीआई का अप्रूवल हो चुका है, सेबी का अप्रूवल, सीसीआई का अप्रूवल बेस लेके और बीएससी का क्लैरिफिकेशन के बाद अपना अप्रूवल प्रोवाइड करेगा। अगेन दिस इज सोर्स बेस इंफॉर्मेशन, सेबी का अप्रूवल इस क्लैरिफिकेशन के बाद में बहुत जल्द आने की उम्मीद है और आने वाले समय में अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, हाईकोर्ट का डिसीजन फ्यूचर ग्रुप के फेवर में और साथ ही साथ में सेबी का अप्रूवल, तो स्टॉक फिर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा और हमारी उम्मीद है कि 40% का अप मूव दिखाएगा करंट लेवल से। तो ये बहुत ही अच्छी दिन है आज अगर इस न्यूज की बात की जाए जिसमें सेबी को जो क्लैरिफिकेशन चाहिए था दैट हैज बीन ड्राफ्टेड, इट हैज नॉट बीन सेंड, तो ये जल्दी होकर कंप्लीट होने की उम्मीद है हमारे हिसाब से। जो डील है अमेजन की वो फ्यूचर कूपन के साथ में है, इसलिए फ्यूचर कूपन को कोई भी डील में इंक्लूडेड नहीं किया गया है, जो मर्ज हो रहा है वो बगैर फ्यूचर कूपन के हो रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट, यहां पर बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं और आज हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाएंगे, वो कल हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। जो SIAC का जो अगर केस अप्रूव होता है, मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप का अप्रूवल मिलता है और SIAC में सिंगापुर से अमेजन को अप्रूवल मिलता है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये होगा जो दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन अमाउंट होगा उसके चलते हुए वो यहां पर सेटल हो जाएगा। बट इंडिया के हाई कोर्ट के हिसाब से अगर फ्यूचर ग्रुप केस को जीतता है तो अमेजन को यहां पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, जैसे हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था, जो ट्रेडिंग ग्रुप है उन्होंने कंफर्मेशन
दाखिल किया है, जिसमें एक पेनल्टी के लिए, 3 गुना पेनल्टी के लिए अमेजन को हिस्सेदार बनाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर इनफैक्ट अपने शेयरों से भी हाथ नहीं धोएंगे, बल्कि उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी एज पर इंडियन लॉ। तो यह बड़ी खबर है अमेजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अब अगर आगे बात करें यहां पर फ्यूचर कूपन में क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली फ्यूचर कूपन की डील में फ्यूचर रिटेल पार्टिसिपेट नहीं था, और इंडियन हाईकोर्ट जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है विल सुपरसीड SIAC। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। और भाव जो तय हुआ था 17.65 रुपए का है, और हमारी उम्मीद है FEL अब दोनों खबर जैसे ही जल्दी आती हैं उसके हिसाब से ये बहुत जल्द 17.65 रुपए की तरफ को अग्रिम होगा, जहां पर उससे रीलिस्टिंग का हमने पहले बात की हुई है। जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि स्टॉक से जो वीक हैंड्स हैं दे आर गोइंग आउट। आप देखेंगे आज के दिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सारे के सारे स्टॉक अपर सर्किट में है। हेरिटेज फूड ने अपना जो स्टेक सेल किया है वो सारी की सारी सेल अब्जॉर्व हो चुकी है। तो जो वीक हैंड्स हैं वो निकलते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको खरीद रहे हैं। 132 करोड़ की हेरिटेज फूड ने अपनी डील को सेल ऑफ किया है, और वहां पर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने इसको खरीदा है, और क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है कि अपर सर्किट चल रहा है। तो इसका मतलब जितनी सप्लाई आ रही है उतना डिमांड ज्यादा है उससे। डील हमारे हिसाब से विल बी डन एंड इट इज इन अ गुड कंडीशन करंटली FDI रूल के अकॉर्डिंगली। इंडियन रूल विल टेक सेंटर स्टेज एंड अमेजन को पेनल्टी यहां पर पे करनी पड़ेगी। कंक्लूजन की अगर बात की जाए, कुछ प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीता जाता है तो अमेजन कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर आपके अगेंस्ट कोई हाई कोर्ट में डिसीजन है और आप चाहे तो उसको फिर कंप्लेन को अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो एक इंडियन लॉ प्रोसेस है, और उनमें उसी के हिसाब से जो लॉयर्स हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। पर हमारे हिसाब से हमारा कंक्लूजन है कि सिंपल अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है दैट वुड हैव बीन टेकन केयर। जितना भी हमारा सारा का सारा व्यू रहेगा जिसके हिसाब से हम यहां पर बुलिश है, वो हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद वो एक फाइनल स्टैम्प होगा इस डील के ऊपर, जिसके बाद ये स्टॉक जो हमारा टारगेट है उसको बहुत जल्द अचीव करने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से बता दें, प्राइस एक्शन में फ्यूचर मार्केट नेटवर्क 10%, बाकी सारे के सारे 5% पर अपर सर्किट लगे हैं। और यहां पर देखें फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का 10% का सर्किट क्यों, क्योंकि वो जब लोअर सर्किट लग रहा था फ्यूचर डील का तो उससे पहले उसने लोअर सर्किट बंद कर दिया था, और वहां पर स्टेबल होने के बाद इसको 10% का अपर सर्किट में अपग्रेड कर देगा। दोस्तों वीडियो चल के लाइक कीजिएगा। हमारे हिसाब से FEL का टारगेट आने वाले 3 सालों के लिए करीब करीब 34 रुपए है। तो इसको अगर आप चाहें तो कोई भी शेयर होगा आपके पास उसको कन्वर्ट होगा FEL में, और वो अपने पास होल्डर के 34 रुपए के बेसिस पर। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। आज हमने कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाए थे, एक तो हमारा सिस्टम ने प्राइमरीली कोई ट्रेड नहीं जनरेट किया था, प्लस साथ में हमारे को आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इस वजह से कोई ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाए खुद भी अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं किया था आज, बिकॉज हमारे सिस्टम ने ट्रेड जनरेट नहीं किया था। अगर आप हमारी पेड सर्विस चाहते हैं तो 8,000 रुपये पर मंथ के बेसिस पर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपका दिन मंगल में हो, 4 वीडियो प्रस्तुत है, चाहे तो देख सकते हैं। बाय गाइस।